प्रेम गौतम, महासचिव सीटू, हिमाचल प्रदेश। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मुख्य मांगों पर? ये हमारा ऑल इंडिया के स्तर पर जो 10 मुख्य केंद्रीय ट्रेड यूनियन है उनके आह्वान पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अंदर जो सबसे पहला मुद्दा ये है, इस कोरोना महामारी की आड़ में जो सरकार का मुख्य काम जनता को, इस देश की गरीब मजदूर को, किसान को राहत देने का होना चाहिए था, पिछले 6 महीने में राहत देने की बजाय सरकार ने इनके ऊपर हमला शुरू कर दिया, मजदूरों के ऊपर खासकर हमला उसमें बोला गया। इसके अंदर जो सबसे पहला मुद्दा है कि जो सरकारी कंसेप्टर है इस देश के, है ना, इसको बड़े ही क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक तरीके से सरकार इस देश और विदेश की पूंजीपतियों को बेच रहे हैं। इसके अंदर चाहे बैंक है, चाहे BSNL है, चाहे रेलवे है, चाहे बिजली है, चाहे सरकारी अस्पताल है, सबका सब जो है एक एक करके सरकार निजी कंपनियों को बेचने का कोशिश कर रही है आत्मनिर्भरता के नाम से। एक नंबर दो, इसके अंदर जो इस प्रदर्शन में हमारा जो दूसरा मुख्य मुद्दा है कि इस देश के अंदर 100 साल की लंबी लड़ाई के चलते मजदूर ने इस देश के सरकारों को, अलग अलग सरकारों को मजबूर किया था। इस देश के अंदर 44 श्रम कानून है, उन 44 श्रम कानूनों को खत्म करके पिछले कल संसद के अंदर 3 श्रम कानून, एक पहले पास कर दिया, 3 और पास कर दिया। उसका मतलब क्या, उन श्रम कानूनों को पास करने का मतलब यह है कि सरकार जो है मजदूरों को पूंजीपति का गुलाम बनाना चाहता है। जो उसके अंदर प्रावधान किए गए हैं, बाहर से तो वो जो कोड पेश किया जा रहा है उसके अंदर तो ये लग रहा है कि इससे मजदूरों को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हकीकत में अगर उसका पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक लाइन को उसका करेंगे, तो सरकार का जो कहना उसके बिल्कुल उलट है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो उसके अंदर कहा गया 40 से कम मजदूर जहां पर काम करेगा वो श्रम कानून के दायरे से बाहर हो जाएगा, तो 72% 100 में से 72 मजदूर उससे बाहर हो जाएगा, नंबर वन। नंबर दो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात की है आपने, 3 से लेकर 6 साल तक वो फिक्स टर्म एम्प्लॉय रहेगा। जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय रहेगा उसके ऊपर कोई कोड श्रम कानून लागू नहीं होगा, तो उसको क्या मिलेगा? ये क्या बोलते हैं इसके अंदर भी कि आपने तीसरी बात की है हायर और फायर की नीति, जो 300 से कम क्या बोलते हैं मजदूर किसी इंडस्ट्री के अंदर काम करेगा उसको भी जो है इजाजत नहीं होगा, कंपनी जो है अपनी मन मर्जी से जब मर्जी उसको रखेगा, जब मर्जी उसको निकालेगा। ये आप जब कर रहे हैं तो हिंदुस्तान का 80% मजदूर इसके दायरे से बाहर हो जाए, वही हिमाचल सरकार भी कर रही है। 3 दिन पहले भी हमने विधानसभा के बाहर अंदर प्रदर्शन, बाहर प्रदर्शन किया था, उसके अंदर भी इस बात को उठाए, जो दिल्ली की सरकार करे वही हिमाचल, तो इस बात को। और चौथी बात जो हम कहना चाहते हैं इसके प्रदर्शन के माध्यम से, जो 3 दिन पहले हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ, पार्लियामेंट के अंदर आप बिल को पास नहीं कर पा रहे थे, राज्यसभा के अंदर आपने बहुत ही शर्मनाक तरीके से एक क्या बोलते तानाशाही प्रवृत्ति को अपना कर जो है उस बिल को पास किया जो किसानों के विरोध का है। तो हमारा ये मानना है कि जो मोदी सरकार है बात आत्मनिर्भरता की कर रही है, लेकिन ये आत्मनिर्भरता नहीं है, आत्मसमर्पण कर रही है इस देश और विदेश की पूंजीपतियों के आगे, और ये देश बच नहीं सकता है, और इस देश को बचाने का काम इस मजदूर का है। इस मजदूर ने ऐसे पहले भी, आज से पहले भी मजदूर का इतिहास भी ये रहा कि उसने जो भी कानून इस देश के अंदर जो बनवाए वो पूंजीपति पर भ्रष्ट सरकारों को झुका के बनाए। अगर ये सरकार इन प्रदर्शनों के जरिए, इन धरनों के जरिए, संघर्षों के जरिए पीछे नहीं हटा, आने वाले समय में जो देश के तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, जो किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, उनको इकट्ठा करके हम इस आंदोलन को और तेज़ करेंगे और उसके सरकार को मजबूर करेंगे आने वाले समय में इन काले कानूनों को वापस करने।